और प्रधानमंत्री के कश्मीर दौरे से वहां जाने वाले पर्यटक और टूर ऑपरेटर दोनों ही परेशान हैं। श्रीनगर में कई जगहों पर रास्ते रोक दिए गए जिससे सैलानी अपनी मनचाही जगहों पर नहीं घूम पाए। ऐसे में कई लोगों ने तो फिलहाल अपने प्रोग्राम ही रद्द कर दिए हैं। प्रधानमंत्री की गोलमेज बैठक ने धरती पर जन्नत कहलाने वाले कश्मीर में पर्यटन को कुछ दिन के लिए गोल कर दिया है। आतंकवाद के साए में जी रहे कश्मीर में पिछले 2 साल में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री के श्रीनगर पहुंचने से पहले ही कुछ आतंकवादी हमलों ने लोगों के कश्मीर के प्रोग्राम पर ब्रेक लगा दिए हैं। आज फोन आ रहे थे हमारे श्रीनगर ऑफिस से कि अभी गाड़ियों को मुगल गार्डन नहीं जाने दे रहे हैं, गुलमर्ग नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि रास्ते में पड़ रहा है सब पूछिए ब्लॉक जो मतलब जहाँ से पीएम का रास्ता है, तो इसकी वजह से सभी कह रहे हैं कि जो गेस्ट वहाँ पर हैं नाराज़ हो गए हैं कि हम यहाँ आके मतलब हाउस बोट में होटल्स में बंद हो गए हैं तो कहीं जा नहीं पा रहे हैं। मीनाक्षी अपने दोस्तों के साथ कुछ दिन के लिए श्रीनगर जाना चाहती थी, बुकिंग भी करवा ली थी, लेकिन सोचा कि जब प्रधानमंत्री दिल्ली लौटाएंगे तभी कश्मीर का प्रोग्राम बनाया जाए, लेकिन मजेदार बात यह है कि इन्हें अब प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ रहा है। पीएम की विजिट है तो मे बी कुछ स्ट्रीट्स उन्होंने ब्लॉक करी होंगी या उसकी वजह से, तो इसलिए अभी हम नेक्स्ट मंथ ही जाना प्रेफर करेंगे क्योंकि क्या पता कुछ भी आई मीन इट्स रिस्क गोइंग अवे सो दैट्स व्हाई। लेकिन सच यह है कि पिछले 2 सालों में अचानक ही कश्मीर सैलानियों के लिए दोबारा से हॉटस्पॉट बन गया है। जहां 2003 में महज 20,000 सैलानियों ने कश्मीर की ओर रुख किया था, वहीं 2005 में यह आंकड़ा बढ़कर 6 लाख हो गया था। उम्मीद की जा रही है कि इस साल यह आंकड़ा 10 लाख को पार कर जाएगा। नेचुरली वो सीट्स तो लिमिटेड है, तो अगर वो सीट्स सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को और होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स को प्रायोरिटी पे दी जाएंगी आईबी के लोगों को, तो स्वाभाविक बात है वो टूरिस्ट का सीट्स कैंसिल होंगी। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, अगर सरकार को पहले से ही पता था कि कोई भी प्रमुख संगठन इस बैठक में भाग नहीं लेने वाला तो प्रधानमंत्री का ये दौरा एक तरह से कश्मीर के लोगों के लिए नुकसान का सौदा ही रहा। आशीष महर्षि, स्टार न्यूज़, दिल्ली।